एक सफर, बस सामान उठाओ और घूमते फिरो। अरे भैया, सफर में जिस प्रकार से घटना या दुर्घटना के योग होते ना, उसी प्रकार से जिंदगी में भी घटना या दुर्घटना के योग होते हैं। भैया, कई बार जल्दबाजी में आदमी गलत ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वहां पर एक सुविधा होती है। अरे, जंजीर खींच कर ट्रेन को रोका जा सकता है। लेकिन साहब, शादी में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। और हाँ, शादीशुदा स्त्री को चोटी पकड़कर काबू में करने की कोशिश भी मत करना, हुलिया बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अरे भाई साहब, वो ट्रेन तो किसी तरह चल जाएगी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी की ट्रेन नॉन स्टॉप ट्रेन है ना। अब ये देखिए, ये छतरी, ओह ये छतरी 1961 में एसटी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए खड़ दी थी। और ये बिस्तरा, अरे साहब, ये बिस्तरा जनता मेल की भीड़ का लाभ है। और वो पानी की सुराही, अरे साहब, ये पानी की सुराही ये मुझे दी थी 1857 में, सन भूल गया मैं, और उसी सन में ये दी थी, ये एक मारवाड़ी ने पानी भरने के लिए दी थी जो आज तक नहीं भर पाई है। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर आदमी में थोड़ी सी भी चतुराई हो ना, तो जिंदगी के सफर का सामान अपने आप इकट्ठा हो जाता है। अजी, मैंने कहा सुनते हो? ये भी एक सामान है, लेकिन मैंने कहीं से घाड़ा नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने मेरे ऊपर फेंक कर मारा। अरे साहब, सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोल रही हो? छतरी भैया की। अरे, इस छतरी को शावर के नीचे खड़े होकर चेक करूं क्या? अरे, इसी छतरी के नीचे खड़ा था। हाँ, तो छतरी बंद करो। बंद कर दी। बिस्तर के पट्टे टाइट किए? अरे, ये बिस्तर के पट्टे तो टाइट किए, बिस्तर से खिलाई है। पानी की बोतल का नल लीक हो रहा है, वो ठीक कर दो। अरे, ये पानी की बोतल है ना, इसकी उम्र हो गई है, इसका अब लीक नहीं करेगी तो कब करेगी? कपड़े की पेटी बंद की? तुम्हारी ये कपड़े की पेटी और तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं होते। क्या कहा? मेरे मुंह को छोड़ो और ये कपड़े की पेटी बंद करो। हे भगवान, कैसा पति मिला है, सुबह के 5 बजे से सामान बांधने में लगे हैं, लेकिन 8:15 बज गए हैं, मगर अभी तक एक काम पूरा नहीं हुआ इनसे। अरे, कल सुबह भी हो जाएगी ना, तो तुम्हारी पेटी बंद होने वाली नहीं है, और तुम्हारा बिस्तर ये भी कभी टाइट नहीं होगा, और ये तुम्हारी पानी है ना, पानी की बोतल, ये भी कभी ठीक नहीं होगी। और ये मेरे पति, इनसे कुछ भी नहीं होगा। देखो नीला, अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर ये बिस्तर मैंने टाइट नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम नटवर लाल नहीं। मैंने कहा था ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बलिहारी हो तुम्हारे गुस्से की, कम से कम ये पेटी तो बंद कर दो। वो पेटी बंद नहीं होगी। होगी। अरे नहीं होगी। होगी। अरे नहीं होगी। मैं कहती हूँ होगी। और मैं कहता हूँ कि वो पेटी नहीं होगी। ये पेटी बंद होगी या नहीं होगी, इसका मुझे मालूम है, तुम्हें? मुझे मालूम है, क्योंकि ये पेटी मैंने खरीदी है। अच्छा, मैंने खरीदी है। जो खरीदी हुई पेटी का रुपया है ना, वो मेरे मायके का है। हाँ। तो तुम्हारे मायके की पेटी है, तो इसका मुंह खुला रहता है। क्या मतलब कि तुम्हें बंद कर लो? चलो, अभी लड़ने झगड़ने का समय नहीं है। अरे, यूं ही करते रहे तो ट्रेन निकल जाएगी। चलो जल्दी पेटी बंद करो, और फिर मुझे तैयार भी तो होना है। और तो इस पेटी को बंद करने के लिए मुझे किस प्रकार की सहायता करने की जरा बताएंगे आप? एक काम करो, तुम इस पर चलो। मैं और तुम्हारे मायके की बेटी पर? हरगिज नहीं। हे भगवान, तुम्हारे पल्ले पड़कर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। हाँ। तुम्हारी किस्मत फूटी है, मेरी किस्मत फूटी है। पेटी बंद करते हो या नहीं? हाँ ठीक है, बंद करता हूँ, लेकिन इसको पैर नहीं लगाऊंगा। जरा ताकत लगाओ। अरे जितनी थी सब लगा दी मैंने। ये मैंने डांस करने को नहीं कहा। ये डांस नहीं है, ये तुम्हारी पेटी बंद करने के लिए उछल कूदे। हां तो जरा जोर से उछल कूदो। वो इस पेटी के चक्कर में मेरी कमर का कुछ ऊपर निकल गया। चलो, अब नखरे मत दिखाओ, जल्दी करो, पेटी बंद करो ये। अरे, ये तो बंद ही नहीं हो रही। एक रास्ता बताता हूँ। क्या? तू अपने साड़ी ब्लाउज निकालो। क्या कहा? अरे कुछ लाक्षरण है या नहीं? अरे मतलब मेरी बात तो सुनो, बोलने लगती हो। अरे इतने कपड़े भर दिए हैं, इसमें से कुछ कपड़े कम करो, तुम्हारे साड़ी ब्लाउज कम करो, तब ये बंद होगी। ये निकालो क्या ये? बस, ये हो गई अब बंद। अब बोलो और क्या बंद करना है? एक काम करो, उस
बांधकर इसको डॉन बना। और बोलो और क्या करना है? अब ये सब ना गिन लो। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस नगे पूरे। क्यों जी, तुम्हारे समय में गणित था? हाँ था, लेकिन वो मास्टर को याद आता। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि सर मास्टर को याद आता। अरे कुल नग आठ है और गिन रहे हो दस। ओ नग आठ है, नग दस है। हाँ हाँ, मैं भी वही बोल रही थी कि आठ है, नग दस है। आठ है, दस है, गिनो। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। बस अब मेरे जूड़े पर जाली बांध। मैं बांधूंगा। हाँ तो कौन पड़ोसी आएगा बांधने? नहीं, मैं ही बांधता हूँ। झाड़ू जिससे पाल और इन पे जाली बांधने। अरे मैं तो कहता हूँ ना, औरतों के मुंह पे बांधने की जाली। क्या? कुछ नहीं, जाली बांध देता। हाँ ये लो। अब एक काम करो, वो वेणी उठा कर लाओ। इन बालों में वेणी? क्यों जी, मेरा जूड़ा नकली है क्या? नहीं जी, आपका जूड़ा तो बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल स्कूटर के पहिए की तरह। चलो चलो चुपचाप वो वेणी उठा कर लाओ। ये लो बेटी। पर लीला एक बात पूछूं? हाँ। ये सफर में तुम्हारी वेणी देखेगा कौन? तुम। मैं? मैं तो डब्बे में दूसरों की वेणी देखूंगा। क्या? तुम्हारी कौन देखेगा? कुछ नहीं, ये लो बात। हाँ बोलो। ये बैग है ना, ये बैग ट्रेन के डिब्बे में ऊपर रखें। ये बैग ट्रेन के डिब्बे में ऊपर रख देंगे, ठीक है? हाँ। और ये बिस्तर नीचे। ये बिस्तर बर्थ के नीचे रख देंगे, ठीक है? हाँ। बाकी सब मेरे पास। हाँ, ये बाकी सब जो है वो तुम्हारे पास रखना। हाँ। और वो सुराही है ना। हाँ। हाँ, ये तुम्हारी गोद में। मेरी गोद में? अरे मतलब कि बिना बच्चे के कपड़े गीले? क्या बात करती हो? चलो चलो चुप करो, अब जल्दी उठाओ सामान, ट्रेन निकल जाएगी। हाँ तो चलो चलो उठाओ। तो यहाँ एक बाल मंदिर हो जाएगा।
रूपा। हाँ। बात ऐसी है क्या? मैं है ना इस लड़की को है ना क्या लड़की को है ना भगाकर लाया भगाकर भागी हुई लड़की, उसके पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे उसका बाप, उसके पीछे उसकी माँ और उसके पीछे पता नहीं। और सबके पीछे पंडित। देखो जी, तुम मेरे नैन को डराओ मत, भूल जाते हो कि तुम भी मेरे भगाए हुए हो। हाँ। कि तुम्हारे खानदान का कृष्ण भगवान से कोई कनेक्शन है? हाँ होगा, तुम चुप रहो। तुम्हारी बात पे रहते बोलो बुआ, मेरा तो गला सूख रहा है। हाँ, जब इसने मुझे भगाया था ना तो मेरा भी ऐसा ही गला सूखता था। ये तो बिल्कुल अपने जैसा ही है। अरे हाँ बुआ, ये लड़की अपने घर के सामने वाले घर में ही तो रहती है। ये तो हमारे जैसा ही है। क्या हमारे जैसा है? अरे हम लोग ऊपर नीचे रहते थे। अरे तुम चुप रहो। हाँ फिर एक दिन दोपहर के वक्त मैं इस लड़की के घर की ओर देखते हुए खड़ा था और अचानक एक कमबख्त साइकिल वाले ने साइकिल मिला दी। तो ये भी हमसे मिलता है? बिल्कुल नहीं। अरे उस वक्त गाय ने मुझे पीछे से सींग मारा था। यार मिस्टर, सींग मुझे मारा, तुम कैसे गिरे? अरे मैं तो साइकिल से गिरा था ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने खड़े होकर उस साइकिल वाले को पकड़ा और उसे इतना मारा कि बस ये मेरी हिम्मत देखकर मुझसे खुश हो गई। अरे ये अपने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अपने जैसा ही है। अरे नहीं है। अरे जिस वक्त गाय ने मुझे सींग मारा था और मैं गिर गया था, उसके बाद उठकर मैंने गाय की पूंछ मरोड़ दी थी और उसके बाद गाय के मालिक ने आके मेरी वो धुलाई की कि आज भी ठंड में हड्डियां कड़कड़ाती। अरे चुप कर। फिर ये रोज मेरी ओर देखती और हंसती, देखती और हंसती, देखती और हंसती। बस हमें शुरू नहीं करना है। अरे तुम चलो। फिर हम रोज रोज बाहर मिलने लगे। मैं रोज इसे एक रेड रोज लाकर देता और फिर एक रोज मैंने सोचा कि ये मेरे गले पड़े, इससे पहले मैं इसे लेकर यहाँ गया। पर अरे क्या पर? अरे हमने पहले शादी की थी, कोई प्रेम शुरू करने की कोशिश की थी, तो अब तक नहीं हो पाया। तुम चुप रहो और पहले पूरी बात सुनो। आ जाओ बार बार चुप रहो। बस हुआ, फिर मैं इसे भगा कर यहाँ ले आया। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। ए मिस्टर, हम भगोड़ों की मदद नहीं करते हैं, समझे? बुआ अरे नहीं, डरे मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारे फूफा में इतनी हिम्मत की मुझे ना कहे, ये क्यों भूल जाते हो? तुम्हें भी मैंने भगाया था। अरे बुआ, पर एक प्रॉब्लम है, इस लड़की के माँ बाप को पता चल गया तो वो भी यहाँ आएंगे। अरे तो उनकी भी शादी करवा देंगे। अरे पर वो तो ऑलरेडी शादी शुदा है। अच्छा, तो वापस से शादी करवा देंगे? कुछ भी करा सकती है। क्या मैं? कुछ नहीं। चलो चलो एक काम करो, तुम सभी सामान लेकर अंदर जाओ। हाँ, चलो अंदर जाओ। बेटा तुम कहाँ उठा रहे हो मेरे राज दुलारे? मेरे फूफा किस दिन काम आएंगे? अभी तो उठा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा काम होती है ना खुटली खोले ना यहाँ से। उठाई तो रहा था मैं। तू हमारे नैन को चाहती है ना? बहुत चाहती हूँ।
जा सके। क्यों भाभी जी, सही कहा ना? हाँ, वैसे भाग जाने का आइडिया तो मेरा ही था। अरे वेरी गुड, ये हुई ना बात। स्त्री यानी स्त्री, स्त्री यानी स्त्री। जिस प्रकार गर्म स्त्री कपड़े की सिलवटें दूर कर देती है, उसी प्रकार अगर एक बार स्त्री गर्म हो जाए ना, तो अच्छे अच्छे पुरुष को सीधा कर देती है बरखुदा। मतलब? अरे मतलब सब समझ जाओगे। एक बार शादी हो जाने दो। नीला क्या है? नीला, मैंने कह रहा था कि इस भगोड़ी को अंदर ले जाओ और इसके कपड़े अपने बदलवा दो ताकि कुछ औरत जैसी दिखे। हाँ, क्या नाम बताया तुमने? पानी का डोल याद रखो, डोली अपने आप याद आ जाएगा। हाँ चलो। ए बस बहुत हो गया नींद भटकता, उधर बैठ, काम की बातें करते हैं। क्यों? अरे ठीक है, कभी कभी तो मौका मिलता है बरखुदा। ये बताओ कि लड़की किस जात की है? पटेल। पटेल यानी कि तुम्हें पटेल होना है या उसे ब्राह्मण बनाना है? अपन तो जात पात में विश्वास रखते ही नहीं मुका। लगा ही था मुझे जब तुम लड़की लेकर भागे थे तभी समझ गया था कि तुम जात पात में नहीं मानते। अच्छा उसका बाप क्या कहता है? उसका बाप कटुरीर का बहुत बड़ा व्यापारी है। मतलब कि तुमने उसकी दुकान का सबसे बेहतरीन पीस मार दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसकी माँ कैसी है? माँ आए हाय। और उसका स्वभाव कैसा है? बुआ। ए चुप चुप चुप, मैं पूछ रहा उसका स्वभाव कैसा है? अरे बहुत खड़ूस है। स्वभाव से तो इतनी खड़ूस है, अरे कल की ही बात है, कल ही उसने अपने पति को पटली फेंक के मारी है। यार बरखुरदार, जिसकी माँ अपने पति को पटली फेंक के मारती है तो उस लड़की से शादी करने को तैयार? अरे पर फूफा, उसकी माँ अपने पति को पटली फेंक कर मार रही है, इससे मेरी शादी में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अरे जिसकी माँ अपने पति को पटली फेंक कर मार रही है वो लड़की अपने पति को पटिया मारेगी और तुम पिटे कर तैयार हो जाओ? नहीं नहीं फूफा, ये लड़की ऐसी नहीं है, ये बहुत अच्छी है। शादी के पहले सात घंटे अच्छी है, लेकिन शादी के बाद उनके व्यवहार का विस्तृत रूप से पता चला। अब वैसे बरखुरदार, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि शादी कैसे करनी है, घर में या कोर्ट में? कुछ हाँ ठीक है यार, शादी हमें नहीं करनी है, तुम्हें करनी है। तुम क्या सोचकर भागे हो भाई? हम तो बस ये सोचकर भागे थे कि शादी हो जाए, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहीं करवा दो। अब यार तुम जिम्मेदारी दे रहे हो तो परसों तक हम सब जमा लेंगे। अरे तुम्हारे फूफा में तो अकल की एक बूंद नहीं है, इनसे आज तक एक दही तो जमा नहीं है, ये क्या जमाएंगे? वो तो सिर्फ मैं देख लूंगी बेटा, जाओ तुम बेफिक्र होकर नाश्ता करो, जाओ। अच्छी सुनते हो। अब क्या है? अरे तुम तो बिल्कुल गोंदू हो। अरे स्त्री अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुष को भोंदू बना देती है। याद आती है उन दिनों की? किन दिनों की? उन दिनों की। किन दिनों की? उन दिनों की। किन दिनों की? उन दिनों की। देखो नीला, तुम है ना मुझसे थोड़ी सी दूरी रहा करो, कि जब तुम मुझे पास आती हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मतलब? मतलब कि याद आती है उन दिनों की। कितने याद आते हैं? अरे वो दिन थे, तभी तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मतलब कि अच्छा तुम्हें पता है रोज मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आते थे। बात तो बताना, रोजाना इतना सुंदर गुलाब का फूल तुम लाते कहाँ से थे? अब ऐसा है कि उसके लिए मैं ना रोज चंद्रिका से मिलता, तो चंद्रिका मेरे लिए गुलाब का फूल है, मैं उसे सूंघता और फिर जब वो थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता ना तो वो जाकर के तुम्हें दे क्या? तो कल ही चंद्रिका का फूल मुझे लाके देते थे और वो भी थोड़ा थोड़ा मुरझाया हुआ। यानी तुम मुझसे प्यार करते थे उस चंद्रिका से? अरे अपना तो क्या है, अपन तो विश्व प्रेम में विश्वास रखते हैं। अरे लेकिन सुबह का प्रोग्राम भी दूसरा होता था ना। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और किसी से नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो।
सारी बातें मैं ना सुबह ही बोलता था, लेकिन सुनने वाला कोई दूसरा होता था। यानी तुमने मेरे साथ धोखा किया? क्या हो गया बुआ? क्यों आ रही हो? आजा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बुआ का ना जरा दिल भरा है, इमोशनल हो गई है। समझ गया बुआ। तुम भी समझ गए? हाँ, मेरी बुआ के रोने का कारण समझ गया। उन्हें उन्हें जरूर हमारे मरे हुए दादाजी याद आ गए होंगे। वाह वाह वाह, क्या थे हमारे दादाजी। अरे वो थे, तभी तो ये आफत मेरे गले पड़ी है। खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों से ना शिक्षा लेनी चाहिए। देखो बुआ, तुम मेरी बुआ के बारे में कुछ मत। अरे इन्होंने आकर ही तो तुम्हारी गृहस्थी में आनंद बिखेरा। ओ क्या आनंद बिखेरा है। अरे अभी तक बिखेर रही है, ये देख, ये इधर से बिखेरा, ये इधर से बिखेरा। अरे मैं कहता हूँ तुम्हें इन सब कार्यक्रमों से ना शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा? कैसी शिक्षा? देखो बरपुरदार, स्त्री यानी कि म्युनिसिपैलिटी का अंदर दिन में दो बार तो पानी आएगा ही आएगा, और कहीं आग लग जाए ना तो कंटिन्यू चालू है। ये शादी बस, अब तुम्हारी बारात निकलना बाकी है, और हम तुम्हारे फूफा आगे आगे बैंड बजाएंगे, और तुम्हारी ये बुआ पीछे पीछे गाना गाएगी। मैं कुछ नहीं गाऊंगी। हाँ, मुझे ना मुझे लगता है कि हम लोगों को मेरी शादी के बारे में एक मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अरे तुम मीटिंग करो या सभा, मैं तो चली। अरे बुआ बुआ रुको, बुआ प्लीज बुआ। अरे मेरे बुआ यहाँ बैठो मत, मेरी बुआ को मनाओ, उनको समझाओ। यार देख मैं कुमार, अगर तेरी बुआ को मैं मना सकता होता ना तो आज हमारे घर भी क्रिकेट की टीम। अरे तेरी बुआ एक बार बिगड़ जाए ना तो मैं तो क्या मेरा बाप भी ऊपर से नीचे आ जा, तेरी बुआ को नहीं मना सकता। अब तेरी शादी का मामला है, सोचना पड़ेगा यार, बेटा सोचना पड़ेगा। मैं करता हूँ। नीला नीला समय में तुम मेरी हो जाओ, उसके बाद अपना भी एक नया संसार होगा डॉली। तेरे बिना जिया जाए ना। तेरा गाना मुझे भाए ना। इतने सुर में गाएगी तो मेरा जिया जरूर चले जाएगा। क्या? कुछ नहीं मेरी जरूरत, अब तो तू और मैं और तू हमेशा हमेशा साथ साथ रहेंगे डॉली। शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं होगा ना? क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे डॉली, तुम तो मेरा जीवन हो। यू आर माय लव, यू आर माय लाइफ डॉली। ओह डॉली डॉली डॉली। किसी के प्रेम में खाने के अलावा किसी और बात पर रस मत लेना। सुनो, भूखे रह जाओगे। अरे सुनो, खाने के लिए तुम्हें 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है। और सुनो, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अरे सिर्फ 15 मिनट तो बढ़ा के 1 घंटा कर लेते तो तुम्हारे घर में एक महेंद्र धोनी पैदा हो जाता। देखा? क्या देखा? ऐसा होता है प्रेम, और तुम इतने बड़े ढेले के समान हो गए हो कि प्रेम टांगना तक नहीं आता है। ओह, मुझे चैलेंज? देखो नीला, तुम सामने जाकर खड़ी हो जाओ। अरे एकदम से क्या हुआ? अरे मेरे अंदर प्रेम चोपड़ा आ गया है। सामने की खड़ी हो जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जाओ जाओ। बेचैन है ये दिल, इस दिल से मिलने को इस दिल दिल के बीच की दीवार गिरा दो। नीला, तुम मुझे ना प्यार से नटवर कहो। नटवर? नटवर?
अरे ऐसे नहीं, तुमसे नहीं उतरना। तुम तो काम करो लड्डू को, कहना करो मेरे प्यारे मोहन का। ओ हाँ याद आया, एक काम करो, तुमने वो लटक मटक लटक मटक के चलो, मैं तुम्हें ना शायरी मारूंगा। मैं लटक पटक के चलू? तुम शायरी फेंक फेंक के मारोगे? फेंक फेंक के मारूंगा। रेडी रेडी। अरे इधर देखो। कपट कपट। एक रात में कितनी गुड नाइट करेगा? ये लड़की
अरे मेरी छोटी बच्ची के साथ तुम मेरा फिक्स कर रही है। अरे तुम्हारा तो कहीं भी फिक्स हो जाता है, तुम तो बिल्कुल फैब्रिक विक जैसे हो। हाँ तुम होगी फैब्रिक विक जैसी जो उसके गुड नाइट पे चिपक गई। चलो आप सुना नहीं क्या? अच्छा सुन, हमारी नयन की शादी में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी ना? अब देखो ऐसा है कि अच्छे काम में तो हजार विघ्न आते हैं, अपनी शादी में आया क्या? तुम चिंता मत करो, मैं परसों तक सब जमा दूंगा। कल क्यों नहीं? अरे कल संडे है, कोर्ट बंद है। अरे तो तुम भी कहाँ है, कोर्ट ओट के झंझट में पड़े हुए हो। घर के घर में शादी करो ना फिर छुट्टी। ठीक है अब जैसा तुम कहती हो, वैसे भी तुम्हारे आगे तो मेरी चलने वाली है नहीं। चले हम चलो। Thank you.
अच्छा ये क्या
क्या बोलते हैं? भगनी सुर पंखे, भगनी सुर पंखे, जान में है जान की, जान की में जान है, और जब बाजी लगी जान की तो चिंता क्या इस जान की। नाटक के कलाकार भरा जाते हैं। बात कर। अच्छा तो अभी क्या भरा है? रावण भरा है। ठीक कैसे हो गई है? हाँ रिवर्स गेम मारना पड़ेगा। घबराइए नहीं मित्र, मैं तुम्हारे नयन कुमार की खोज में यहाँ पर आया हूँ। अच्छा एक मिनट, एक मिनट सुनो, मुझे करने पक्ष का लगता है। हाँ मित्र, मैं कह रहा था कि तुम हमारे नयन कुमार के लिए प्रस्ताव लाओ। इतनी आधी रात को प्रस्ताव नहीं मित्र, मैं तुम्हारे नयन कुमार के काले कारनामों को रोकने के लिए आया हूँ। तुम्हारा नयन कुमार मेरी बहन की इकलौती पुत्री रत्न को भगा कर ले आया है। हाँ मित्र, हाँ तुम मित्र, हाँ सत्य कहना मित्र, वो पलायन किया हुआ युगल यहाँ तो नहीं आया। हाँ ए, नहीं, अरे मैंने तो अपने नयन को पिछले एक साल से नहीं देखा। हाँ व्हाट्सएप पे फोटो देख के काम चला रही है। ठीक है ठीक है, तो नयन कुमार को तलाश करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपनी बहन को दिया गया वचन पूरा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहीं रहकर नयन कुमार की तलाश का कार्य आरंभ करूंगा। मैं उस कमरे में जाके आराम करता हूँ। अरे नहीं मित्र, बात बहुत हो गई मित्र, बात भी बहुत हो गई है, उस कमरे में जाता हूँ। नहीं मित्र, उस कमरे में नहीं। उस कमरे में कोई आपत्ति है क्या? हाँ, उस कमरे में चूहिया का आतंक है। चूहिया? ठीक है मैं उस कमरे में। अरे नहीं रुको मित्र, उस कमरे में भी बिल्कुल भी नहीं। उस कमरे में चूहों का आतंक है। सही कहा है। चूहिया? ठीक है तुम मैं कहाँ जाऊँ? आप एक काम करिए, भागी हुई भांजी के मामा देखो ऐसा है, जब तक तुम्हारी भांजी नहीं मिल जाती ना, हम दोनों तुम्हें मामा कहेंगे। मामा? मामा, मामा। ठीक है, आप एक काम करिए मामा, आप उस कमरे में चले जाओ। किधर? उस कमरे में। किधर? अरे वो सफर का सामान व्यवस्थित कर देना मैं तो। गुड नाइट मामा। नाइट। कल की शादी का क्या होगा? अरे ये तो लफड़ा ही यहाँ आकर बैठ गया है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, जिंदगी एक सफर है, सामान उठाओ और चलते फिरो। और जिस प्रकार सफर में अकस्मात का योग होता है, वैसे ही शादी में अकस्मात मामा का योग है। चलो रघुकुल रीत सदा चली प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल गुड मॉर्निंग मामा जी। मित्र से मामा हुए हाँ। यहाँ तक तो ठीक था हाँ। लेकिन मामा से ये मामा जी समझ में नहीं आया। जी का मतलब हुआ सम्मान देना, तो सम्मान हमने लिया। मित्र ये तुम अखबार में आंखें गड़ा गड़ा कर क्या पढ़ रहे हो? ये कोई खास खबर है? हाँ ये प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल हमारे लिए सीता के लिए उपयोगी हो। अखबार क्या है दोस्त? अनुमति का एक इशारा है हाँ। कोई किसी के साथ भाग गया है ऐसी खबरें, कोई किसी को भगा ले गया है, किसी की पत्नी शेरनी जैसी है, किसी का पति गीदड़ जैसा है। नाटक के लिए जोरदार मसाला है मित्र। मसाला? नाटक से याद आया मित्र, अभी कौन सा नाटक खेल रहे हो? एक भागी हुई भांजी के मामा। हाँ ऐसे ही। मैंने कहा ये स्नान करेंगे। आप स्नान करते हैं? अवश्य अवश्य, मेहमान बनते हैं तो अवश्य स्नान करते। अरे भाई हम तो गांव के गवई ठहरे, खटिया पर ही बैठ के स्नान करने वाले। मतलब क्या आप यहाँ ड्राइंग रूम में स्नान करेंगे? नीला इनकी खाने और सोने की व्यवस्था बाथरूम में कर देना। नहीं नहीं, तो फिर उचित यही होगा कि हम वहाँ स्नान करें और यहाँ भोजन खाएं। ठीक है मित्र, तो हम स्नान करने चलते हैं। बिल्कुल मित्र, बाथरूम किधर है? बाथरूम
जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले मामा पर उल्टा मंत्र मारना होगा। उल्टा मंत्र लो आगे बैठो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, बैड मॉर्निंग बोलो। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ नहीं, पूरी गड़बड़ हो चुकी है। मतलब? रुको नीला, तुम दरवाजे पर नजर रखना। हाँ जाओ। और सुनो, क्या है? ज्यादा चिपक के मत खड़ी हो ना। क्यों? कभी शक्ति कपूर भी आता है। क्या हुआ? सुनो, वो लड़की का मामा यहाँ पधार चुका है। मोहन मामा? हाँ मोहन मामा, अगर उसने तुम्हें कहीं देख लिया तो तुम्हारा खेल शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ खुदार कमरे में चुपचाप पड़े रहो। चलो निकलो यहाँ से। निकलने सीधे गुड नाइट हो जाएगी। मिस्र स्नान हो गया, कोई नहीं आया। चलने दो चलने दो। यदि इसने लड़की लड़की को देख लिया तो मेरा नैन तो कुवारा ही रह जाएगा। हाँ अरे नहीं नहीं, तुम्हारा नैन कुवारा कैसे रह सकता है? तुम्हारे नैन की शादी होगी और वो भी सिर्फ टोली के साथ। लो अब देवी जागरण भी हो गया। अरे उठा भी और भागा भी। क्या भाग गया? मुझे छोड़ के भाग गया? अरे चुप करो। छोड़े गए माल। तुम्हारी शादी में कठिनाई आ गई है। कैसे कठिनाई? अरे भैया शावर बंद कर दो, शावर बंद कर दो, शावर बंद कर दो। अरे मित्र मुंह बंद कर लो, शावर बंद हो जाएगा। क्या बात है मोहन मामा की आवाज है? हाँ कितने दिन मोहन मामा की आवाज है? क्या होगा? नीला देखो इस लड़की का हेलमेट खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ और जल्दी से इसके बारे में कुछ हो सकती है तो सोचो। ये लड़की तुम अपने कमरे में जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ जाओ जल्दी कुछ होते ना। अबे नहाएंगे तो हम हमारी शादी पे, अभी तो पीने का ही पिला दो। अरे इसका इंतजाम कर दिया। डॉली का? डॉली? अरे दिन की चिकन पुकुर चिकन। अरे वो डॉली नहीं, पानी की डॉली का। अरे हमारे मामा जी कहाँ है? मामा जी पूजा कर रहे हैं। तो तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्या मारो बैठ करके। पर तुम्हारे ऊपर तो भिंड भी नहीं गिरी, किस्त मारो ना तो मक्खे ले जाएगी। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। अबे पीने का लाना। जब आप पीने का आएंगे पानी लेने गए बड़े फोकिए लोग गजब छोड़ गए। ये मिस्टर तुम ही मामा हो ना? अबे हम हैं जो शो है, तुम कौन हो? हेमन की छिलपट। अबे जो पूछता हूँ उसका जवाब तो बोलो, तुम ही मामा हो ना? अबे हम मामा हो कि मामी हो, तुम्हें इससे क्या? अबे मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। हाँ अरे जाओ जाओ, हम भी रत्तीलाल पहलवान है, खून कर दो। देखो डरपोक समझ लो, हमारा वजन चाहिए 62 किलो 200 ग्राम दो का समझे। 200 ग्राम? देखो मिस्टर तुमने मेरी बात में टांग अड़ाई ना तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ से हाथ फेंक दूंगा। अच्छा कहाँ पे फेंको? इसके नीचे। अबे छोटी सी डोली है, ये सीढ़ी देख ले, इसे चढ़ के आ जाएंगे ऊपर। तुम जाओ यार। किधर जाए? यहाँ पे जाओ। कैसे जाए? चल के जाओ। अबे कैसे जाएंगे, हम तो यहीं पे आए हैं और यहीं पे ढूंढने आए हैं लड़की को। जब तक हम यहाँ पे अड़े रहेंगे किसी की भी नहीं चलने देंगे, समझ रहे हो? तो तुम यहाँ से नहीं जाओ। नहीं जाएंगे, नहीं जाओ। अबे नहीं जाएंगे, नहीं जाओ। अबे अबे तेरी जो, अबे अरे जाओ, अबे तेरी, अबे तेरा मना कर दूंगा। अच्छा बस बस बड़ा भगवान लो, नहीं छोड़े नहीं जाए, चली जाएगी मेरे हाथ से। खुश है, हो गया। गिलास कहाँ पे रखे? कहाँ?
टांग वाली बुलाओ बुलाओ दिखाओ दिखाओ चखाओ चखाओ। अरे रुको बेटा तेरा क्लास उठाना। अरे कब आओगी दिल भरमाओगी गिलास ले जाओगी। अरे ले जाओ किशमिश जान जुदा कब आओगी ना हो जाए कहीं। अरे कोई आया क्या? हाँ हाँ ये तो हमारे तोते छाप मामा जी। अरे आओ आओ मेरे मित्र। अरे आओ मित्र नटवरलाल, ये हैं हमारे मित्र रतिलाल। अब मैं इनसे परिचय करवा दूँ। बस बस एक बार परिचय हो गया, अब हिम्मत नहीं बची। नहीं नहीं फिर भी एक बार परिचय कर लो। बोलो मित्र नटवरलाल, ये हमारे मित्र हैं रतिलाल। तुम्हारी कसम लग कोशी का मजा नहीं आ जाता तो मेरे को मजा आ गया बहुत सारा। अंदर चर्चा करने गए, अब हमारा पक्का ही समझो मजे आ जाएंगे। इच्छा करता हूँ भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियां अखियां हरि अखियां मिलाऊं कभी अखियां। सुना जी क्या नाम है तुम्हारा? क्या मीना रख लेती इनके पिंजरे में मिर्ची खिलाता टुकु टुकु करवा। मेरा नाम रूपला क्यों नहीं रखा? रूपा और रूपला की जोड़ी जम जाती इसलिए। शादीशुदा हो? नहीं जी, मैं तो एकदम कुमारी हूँ। एकदम मतलब सोने जैसी 24 केरे पी। एक बात सुन लो, मैं भी 23.9 कुमारा तो हूँ ही, जम जाएगा। पर तुम तो वो मामा की भांजी से शादी करने आए हो ना? ऐसा नहीं है, अपनी तो जान पे जोड़ी हिट वही मामला फिट कर देते। पर मेरे से शादी करने के लिए तो एक और लड़का तैयार है जो कमरे में रहता है। वो हेमंत मिर्जे की लिए। अरे उससे शादी मत करना, सुहाग रात्रि डचक डचक के मारेगा गोद ही मारेगा। दबा देगा ऐसा? हाँ मैं तो सच कहती हूँ, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, बस मुझे तुम्हारे गले का ख्याल आ जाता है। एक काम करो, अच्छे लगने वाली बात पे थैंक यू रखा है रख लो और गले की चिंता छोड़ो। अगर मैंने अपने गले की चिंता करी होती तो आज रेडियो मिर्ची पे गपर गपर गा रहा होता। गाना भी गाते हो? हाँ पर एक बात बताओ, तुम भी छोटे बच्चे छोटे बच्चे तुम भी बहुत सुरीला गाती होंगी, सुनाओगी तुम? पहले तुम सुनाओ। चलो एक काम करो, इधर आके मूड बनाओ। सुंदर है कितनी छोटी है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ। क्यों ज्यादा सेक्सी हो गया? एक सेक्सी गाना मेरे मुंह पे भी मार दो। मार दो मार दो मार दो भैया मेरे। अरे दे दे दे। अरे बच्चे लेके आए लोग, क्या बात कर रहे हो? अच्छी गाना तो सुनाओ। कर रहे थे कि तुम तो भगे डाउन डाउन करते करते। अरे हाँ मैं भी तुम्हारी
भांजी के साथ। अबे हमारी कोई भांजी नहीं है तो मामा कैसे हो गए? अबे मुझे पता है कि तुम साले पता नहीं करना था। क्या मार का रिवीजन करने आया? मार का रिवीजन करने शादी नहीं होती, ये कहना चाहती हो ना? देखो जी, तुम बार बार इस शादी को बीच में मत लाया करो। क्यों डॉली?
अरे हाँ। शादी की है तो शादी को बीच में क्यों दिलाओ फिडोली? अरे शादी ही नहीं करनी थी तो घोड़े पर चढ़कर क्यों आए थे फिडोली? घोड़े पर चढ़कर मैं नहीं आता, वो घोड़ा ही कब्बक तुम्हारे यहाँ लेके आया था फिडोली। देखो तुम मेरे भतीजे के होने वाली बहू हो, तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। ओ क्या? हाँ तुम्हारी शादी मैं करवा रहा हूँ, तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। ओ मैं तुम्हारा फूफा हूँ, तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। अरे आए बड़े फूफा बनने वाले, वो तो अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी कर ली, नहीं तो तुम्हें पहचानता कौन था? तुम्हारी माँ। क्या कहा? हाँ नीला तुम एक काम करो। अब क्यों आ रहे हो शादी करने की? बड़े के घर में नीला तुम उसे अंदर ले जाओ और इंदौर जाने की तैयारी करो, मैं उस नयन कुमार को पकड़ के लाता हूँ अभी। ये लड़की तुम कपड़े पे चेंज मत करना, इन कपड़ों में तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। चलो तुमको मामा को मारना है तो मारो। सच? और हाँ, पर हम दोनों बनेंगे
लड़की के मामा। अच्छा? हाँ। अरे अब उस मामा को भी पता चलेगा, बहुत नाटक नाटक चिल्लाता है, अरे अब उसको पता चलेगा कि जिंदगी के नाटक में कैसा कच्चा है। मगर कहीं उसने हमारे नयन कुमार को पहचान लिया तो? अरे नयन कुमार का मामा तो क्या, तुम भी पहचान नहीं पाओगी। अच्छा पंडित के लड़के को धोती बांधने नहीं आती है? अगर नहीं आती तो क्या केस कर दो? शादी करो, फटका पकड़ो, फटका पकड़ो, चलो
मेरा सब जने साथ देना, दोहराना भैया। मेरी शादी है गेल सब पे और गेल सब पी का, ये समझदार ब्याह करा रहा सावधान सावधान। अरे ये लंबे और टिंगी का हो रहा है एक और अभिषेक बच्चन के लिए सावधान सावधान। अरे ये दोनों ऐसे हैं तो ये पूरा पूरी कैसे होंगे कार्य संपन्न हो चुका है। आप तो बस शादी का कार्य संपन्न हुआ। अरे धोती का खोल रहा ये धोती के चक्कर में हमारा तो ब्याह ही रह गया, हम कब करेंगे अरे भगाओ इसको, अरे इस पगलोट की जरूरत नहीं है। अरे अब तो कारवा गुजर चुका है और कुबार पीटने से कुछ नहीं होगा। अरे मामा तुम बहुत नाटक नाटक करते थे ना और बहुत नाटक की बातें करते थे, लेकिन जिंदगी के असल नाटक में कच्चा पागल हो। अरे तुम जानते नहीं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी भांजी की शादी हो चुकी है और वो भी नयन कुमार के साथ। हाँ समझे जी, ये नयन कुमार मेरा भतीजा है और ये गली ध्यान से देख लो तुम्हारे ही घर का। क्यों रह गए ना रस्ते में सब वाला केस को शादी का झगड़ा। जिंदगी का नाटक तुमने बहुत खेले हैं रंगमंच पर भी और बाहर भी। अच्छा? समझे? अरे तुम्हारे ये नयन कुमार है ना और ये डाली, इनको हमने ही पता दिया था यहाँ का भेजा था, हमने इन दोनों की शादी करवा दी। ये नयन कुमार जैसा दामाद पाकर तो इसके माँ बाप बहुत खुश है। अच्छा? लेकिन दहेज के लोभी इसके माँ बाप ने दहेज मांगा वोटा, इसीलिए हम दहेज विरोधी है और इनको यहाँ भेज दिया और तुम्हारी आंखों के सामने इन दोनों की शादी करवा दी। बोलो भाई कैसा रहा? और हमारी तारीफ कर दो जरा। और ये कोई कमलोट नहीं है, अमित कुमार है। अमित कुमार हमारे रंगमंच का बहुत मजा हुआ कलाकार। अच्छा,